हे व्यूअर्स, तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मल इंग्लिश। इसमें आज हम देखेंगे कि जिन वर्ड्स को हम ओल्ड वे में यूज़ करते थे उनको हम मॉडर्न वे में किस तरीके यूज़ करेंगे। इन दिस सेंस हम इसे फॉर्मल इंग्लिश को हम मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल वर्ड चेंज इनटू मॉडर्न वर्ड। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा डाइड। डाइड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं पास्ट अवे। ठीक है, तो डाइड हमारा क्या यूज़ होगा, अगर कहीं पे कोई डाइड वर्ड यूज़ हो रहा है तो पास्ट अवे बोलेंगे। सेकंड है हमारा यहाँ पे टॉयलेट। ठीक है, तो टॉयलेट को हम क्या बोल सकते हैं मॉडर्न वर्ड में, इसको हम बोल सकते हैं वॉशरूम। सभी जानते होंगे टॉयलेट को हम वॉशरूम भी बोलते हैं, तो टॉयलेट को अगर हम वॉशरूम बोल के यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा और फॉर्मल लगता है। इसके बाद है हमारा हैंडीकैप्ड। ठीक है, हैंडीकैप्ड को हम आजकल अच्छा नहीं लगता इस वर्ड को बोलना, तो हम इसको और क्या बोलेंगे अगर हम बोलना चाहें तो, इसको हम बोल सकते हैं फिजिकली चैलेंज। ठीक है, इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे मेंटली चैलेंज। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना आप हैंडीकैप्ड वर्ड यूज़ करो। और इसके बाद हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और हम बोल सकते हैं डिफरेंट एबल्ड। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट एबल्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे यहाँ पे फैट। किसी को फैट बोलना आजकल बहुत ही अजीब लगता है, किसी को सुनना बेकार लगता है, तो इसको हम बोल सकते हैं फुल्ली फिगर्ड या फुल फिगर्ड। ठीक है, फुल फिगर्ड उसको हम बोलेंगे तो उसको इतना अजीब भी नहीं लगेगा और उसको पता भी चलेगा कि ही इज़ फैट, बट इन दी अदर सेंस हम उसको बोल रहे हैं। इसको यहाँ पे हम चबी भी बोल सकते, प्लम्प भी हम यहाँ पे बोल सकते, चबी, प्लम्प, फुल फिगर्ड या फिर फुल्ली फिगर्ड। इसके बाद है हमारे यहाँ पे फिफ्थ है, फिफ्थ हमारा होगा अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसको हम मॉडर्न वर्ड में क्या बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयड को हम बोलेंगे बिटवीन दी जॉब्स। ठीक है, तो हम इसको बिटवीन दी जॉब्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा सिक्स्थ नंबर पे आएगा सर्वेंट। ठीक है, किसी को सर्वेंट बोलना आजकल इतना अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको मॉडर्न वर्ड में आजकल यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक हेल्पर। ठीक है, इसके बाद सेवन्थ है हमारा नेक्स्ट लेंगे हम सेकेंड हैंड। ठीक है, जैसे हम सेकेंड हैंड मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो इनको हम बोलेंगे यूज्ड। ठीक है, इसको हम बोल सेकेंड हैंड को हम बोलेंगे यूज्ड या फिर प्रीवियसली इंजॉयड आइटम। ठीक है, एट फायर्ड। ठीक है, जैसे किसी को जॉब से निकाल देते हैं तो उसको हम बोलेंगे लेट गो या फिर लेड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 8 मॉडर्न वर्ड्स लिए हैं। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।